बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा देते हैं। सड़क से लेकर संसद तक जिस तरह से हंगामा मचा, इस हंगामे के बीच में कृषि से जुड़े दो विधेयक आज राज्यसभा में पास हो चुके हैं। सरकार ने इसी ऐतिहासिक इस कदम बताया है, तो वहीं राज्यसभा में आज विपक्ष ने जमकर हंगामा भी किया। आपको बता दें, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने तो उपसभापति के सामने कुछ कागजों को फाड़ भी दिया जो रूल बुक थी। वहीं दिल्ली कूच कर रहे किसानों ने अंबाला में जोरदार हंगामा किया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक वो तस्वीर जब आज राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ, ये आप तस्वीर देखिए किस तरह से हंगामा इस दौरान देखने को मिला। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन रूल बुक फाड़ते हुए इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ पर ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई कि माइक के साथ में भी यहाँ पर हाथापाई जैसी तस्वीर देखने को मिली। आप देखिए यहाँ पर वेल तक यानी कि आसंदी तक यहाँ पर पहुंच चुके थे सांसद। वही दूसरी तरफ लगातार विरोध प्रदर्शन भी इस कृषि विधेयक को लेकर, इस कृषि बिल को लेकर देखने को मिला है। कई जगहों पर हंगामा देखने को मिला, यानी सड़क पर देखिए किस तरह से अंबाला में बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा हुए, जोरदार हंगामा किया और उन्हें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें अंबाला में ही रोक दिया गया है। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा, वाटर कैनन का इस्तेमाल तक करना पड़ा है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सड़क से सदन तक आज किस तरह से हंगामे की तस्वीरें देखने को मिली। और हंगामे का जो एक मुख्य केंद्र था वो कृषि विधेयक को लेकर था। लोकसभा में तो कृषि विधेयक जब पास हुआ, उसके बाद में राज्यसभा में पास कराना बड़ी चुनौती थी, लेकिन भारी हंगामे के बीच में ये बिल पास हो चुका है, लेकिन जमकर हंगामा जरूर देखने को मिला। वही कृषि से जुड़े विधेयकों के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। पीएम मोदी ने लिखा है कि बिल से करोड़ों किसान सशक्त होंगे। हालांकि उन्होंने बिचौलियों का भी जिक्र किया, बिचौलियों से अब अन्नदाताओं को आजादी मिल सकेगी। ये विधेयक जिस तरह से पारित हो रहा है, भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूँ। ये ना केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त भी होंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट की। आगे उन्होंने लिखा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे, उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अब अन्नदाताओं को आजादी मिली है। और आगे उन्होंने लिखा है कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं कि MSP की जो व्यवस्था है वो जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए आए हैं, हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब ये किसान बिल पास हुआ, तो उसके बाद में ये ट्वीट करते हुए देशवासियों को शुभकामनाएं दी।